गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरी डिफेंस स्कूल। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ओ ग्रुप का पेपर 2018 का जीके का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? पाम ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री, नन ऑफ दिस। आंसर दिस इन चैट बॉक्स। ऑल स्टूडेंट्स आर करेक्ट and they are giving correct answer, that is option B. Banyan tree is the national tree of India. A person who sell vegetables is called. एक person जो है vegetables जो बेचता है उसको क्या बोला जाता है? Grocer or green grocer, seller, both A and B, या फिर none of these. Now, give me the answer for this question. सही कुछ का गलत। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, ग्रोसर बोलते हैं या फिर उसको जो है ग्रीन ग्रोसर जो है बोला जाता है। द पर्सन हु सेल वेजिटेबल्स, अ पर्सन हु फिट एंड रिपेयर पाइप्स नोन एज इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आंसर इन चैट बॉक्स फॉर दिस। Yes, maximum students all are giving correct answer, that is option B, plumber. जो टैप्स वगैरह जो है ठीक करते हैं या कहीं मोटर की लीकेज हो उनको जो है ठीक करते हैं, that is called plumber. Which is not a bird but can fly. वो एक बर्ड नहीं है बट वो फ्लाई कर सकता है। स्पैरो, पिजन, बैट, none of these. Yes, the correct answer is that is option C. Bats are mammals. Next आता है compose the song Vande Mataram. Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee, Dr. Rajendra Prasad, none of these. Different answer. The correct answer is that is option B. the song Vande Mataram that was composed by Bankim Chandra Chatterjee. इनके द्वारा जो है ये song जो है compose करा गया था। Australia, Norway, Singapore, none of these. The correct answer is that is option B. जो midnight किस चीज को, किस धरती को जो land of the midnight sun जो है बोला जाता है, that is a Norway country. Dash is known as home of cloud. Home of cloud किसको बोला जाता है? मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम, या none of these. Answer this in chat box. Dash is known as home of cloud. Okay, that is option B. Meghalaya is known as home of cloud. The capital of Zimbabwe is Kampala, Buenos Harare, none of these. Okay, that is option C is correct. So Zimbabwe ki capital hai Harare hai. Ab फटाफट मुझे जरा chat box में answer दीजिए, Buenos एयर्स जो है ये किसकी कैपिटल है, ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है? ब्यूनोस एयर्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ब्यूनोस एयर्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अगर क्वेश्चन आ जाता कि कैपिटल ऑफ कंट्री लिखते हैं, कंट्री तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि कैपिटल्स आर गिवन, तो वही मैं पूछी कौन सी कंट्री की है। Yes, Sankalp Garg, your answer is correct. That is Argentina. Kampala. ये जो है ये कौन सी कंट्री की है? फटाफट बताइए जरा। Tell me fast. Kampala is the capital of which country? क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कंपाला जो है कंपाला जो कैपिटल है वो कौन सी कंट्री की है? अगर पेपर में ये आ जाए तो क्या आंसर दोगे? That is Uganda.
नेक्स्ट आता है द बेबी ऑफ ए डियर इज कॉल्ड पप फॉन कप नन ऑफ दिस. जो बेबी डियर है इसको जो है किस नाम से जो है जाना जाता है. दैट इज यू योर आंसर इज करेक्ट. फटाफट मुझे आंसर दीजिए. पप जो है वो किसके बेबी को बोला जाता है एंड कब ऑल्सो कब जो है वो भी किसके बेबी को बोला जाता है. आंसर दिस. पप जो है दैट इज डॉग. जो डॉग का बेबी होता है उसको पप बोलते हैं. कब जो होता है बियर के बेबी को जो है फाउंड इन इजिप्ट स्विट्जरलैंड पेरिस नन ऑफ दिस. These pyramids are found where? Yes, the correct option is that is Egypt. The remains of pyramids are also found in Egypt. है जो स्पेस में जो है गया है यूरी गागरिन राकेश शर्मा बोथ एन बी या फिर नन ऑफ दिस. हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस. डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग. द करेक्ट आंसर इज दैट इज यूरी गागरिन इज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस. और राकेश शर्मा कौन है? ही इज इन फर्स्ट इंडियन. फर्स्ट इंडियन First Indian who went into the space, Rakesh Sharma. On 12 April in 1961, ये रशिया से बिलोंग करते हैं. यूरी गागरिन बिलोंग रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस मेकिंग 108 मिनट ऑर्बिटल फ्लाइट इन हिज वोस्टोक 1 स्पेस एयरक्राफ्ट. यानी कि 12 अप्रैल को जो है 1961 में जो है ये करे थे पहले पर्सन. इन्होंने 108 मिनट का ऑर्बिटल फ्लाइट जो है ऑर्बिटल 108 मिनट का किसमें वोस्टोक 1 स्पेस एयरक्राफ्ट में. विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? मर्करी मार्स वीनस नन ऑफ दिस. नियरेस्ट The correct answer is that is Mercury. Mercury is the closest for most of the time planet not only to the Earth but also to the Mars and Venus. Which is the famous festival of Maharashtra? Gudi Padwa, Chhat Puja, Makar Sankranti, none of these. फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा छठ पूजा मकर संक्रांति नन ऑफ दिस. महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज गुड़ी पड़वा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र. छठ पूजा कहाँ का है और मकर संक्रांति कहाँ का है चैट बॉक्स में लिखो. छठ पूजा बिहार का फेमस. मकर संक्रांति आपका जो है नॉर्थ में जो है नॉर्थ इंडिया में जो है मनाया जाता है. स्पेसिफिकली आपका जो मकर संक्रांति है वो जो है आपका पंजाब का जो है एक फेस्टिवल है बट नॉर्थ में पंजाब हरियाणा इन जगहों पर जो है ये मनाया जाता है मकर संक्रांति. गुड़ी पड़वा इज अ स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल दैट मार्क्स द ट्रेडिशनल न्यू ईयर. ट्रेडिशनल न्यू ईयर होता है मराठीज और कोंकणी हिंदूज का. हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर नन ऑफ दिस. Answer in chat box. The correct answer is that is option C, Amit Shah. Next बताओ कि जो ये राजनाथ सिंह और रमेश पोखरियाल है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है या कौन से मिनिस्टर है. जैसे अमित शाह तो होम मिनिस्टर है,
नौटन में राजनाथ सिंह और रमेश पोखरियाल। राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर है, रमेश पोखरियाल होमवर्क क्वेश्चन पूछूंगी कल क्लास में सबसे पहले। डिफेंस मिनिस्टर रमेश पोखरियाल HRD, मिली गया आंसर आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मींस। अब लेकिन पहले जो है HRD मिनिस्टर होता था, अब इस HRD का नाम जो है चेंज कर दिया गया एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। HRD का नाम जो है कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर। सो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, रमेश पोखरियाल। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा, कोंकणी, संस्कृत, नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन ए। कोंकणी जो है आपकी गोवा की जो है लैंग्वेज जो बोली जाती है। इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन बाय द कोंकणी पीपल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नेम द एनिमल हु कैन स्लीप वाइल्ड स्टैंडिंग। वाइल्ड स्टैंडिंग जो है उस एनिमल का नाम बताइए जो सोते हैं। यस दैट इज ऑप्शन ए। मुझे ये बताओ हॉर्स के अलावा और कौन से एनिमल्स हैं अपार्ट फ्रॉम हॉर्स जो कि खड़े खड़े सो जाते हैं। आंसर दिस इन चैट बॉक्स। दैट इज एलिफेंट, ज़ेब्रास, ये जो है खड़े खड़े सो जाते हैं। एंड देर आर सर्टेन बर्ड्स ऑल्सो जो खड़े खड़े जो है सोते हैं, सम बर्ड फ्लेमिंगोस जो खड़े खड़े सो जाते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन विच प्रोटेक्ट अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करता है। नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, उस पार्ट का नाम बताइए ह्यूमन स्केलेटन के। क्लेविकल, क्रैनियम, मैंडिबल, नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन बी। हु इज फेमस एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू, आशा भोसले, लता मंगेशकर या फिर डी, ओके आशा भोसले। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए। सरोजिनी नायडू जो है वो जो है इन्हें हिंदी में स्वर कोकिला भी बोला जाता है। और ये पहली वुमेन थी जो कि गवर्नर बनी थी, तो फर्स्ट इन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर इन 1947 में जो है ये पहली वुमेन थी जो गवर्नर बनी थी। इनकी बुक्स भी लिखी मैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द भारत को किला स्वर और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज ए पोएट एंड फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी। विच स्टेट इज फेमस फॉर बिहू फेस्टिवल, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन सी। असम का जो है दैट इज अ फेमस फेस्टिवल बिहू। नेक्स्ट हमारा आता है पंजाब का भांगड़ा है। अभी द मोस्ट फेमस की बात आई थी तो उसमें जो है एज पर ऑप्शंस जो है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में जो है फेमस, लेकिन और भी जो है महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस है अनदर वन लावणी। Which state is associated with Garba dance? Gujarat, Tamil Nadu, Goa, none of these. Garba dance जो है वो कौन से state का है? Nip kindly write it down in chat box.
चैट बॉक्स में लिखिए अपना क्वेश्चन. इस गर्ल इज सेइंग सी ऑप्शन एंड आल्सो राइटिंग डाउन ए आल्सो. तो बेटा आंसर तो एक ही हो सकता है ना, दो दो तो होंगे नहीं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गरबा जो है गुजरात का जो है बहुत ही फेमस, ये डांडिया की मदद से जो है परफॉर्म करा जाता है. तमिलनाडु का जो फेमस है दैट इज भरतनाट्यम. गोवा का दैट इज मांडव. पर जो है आपका ये सैंपल पेपर जो है डन होता है. नेक्स्ट टाइम जो है हम अनदर करेंगे. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.